Myself, Dr. Niyati Garg, I'm basically a psychologist. So today we are discussing about some interesting topic. First of all, I wish and I hope that you all are staying at home safe, healthy and happy. अगर हम बात करें कि घर पे रहना और वो भी अब 12th के बाद घर पे रहना, जिस टाइम की अब हमारे पास उम्मीद थी कि हम कॉलेज जाएंगे, फिर वहां पे खूब अच्छे से नए दोस्त बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे, वो पॉसिबल तो हो नहीं पाया. तो हम क्या करें उसके रिगार्डिंग एक छोटी सी टॉक हम यहाँ पर दे रहे हैं. मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. द पर्पज ऑफ माई टॉक इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अवर लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन, जिसको हम कह रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? हाउ आई एम गोइंग टू मैनेज माई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. तो सेल्फ मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो क्या कहलाता है? इट इज द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशंस. अगर हम अपनी सिचुएशंस को देखें तो बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में हुए, इस वजह से बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस या इमोशनल हम चेंजेस महसूस कर रहे थे, और हमारे थॉट्स में भी चेंज आया, हमारे बिहेवियर में भी चेंज आया. हमें ऐसा लगा कि हमारी नॉर्मल लाइफ से बिल्कुल अलग सब कुछ हो गया. उसे हम कैसे मैनेज करें? दिस इंक्लूड, अब मैनेज करने की बात आती है, संभालने की बात आती है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की बात आती है. तो उसमें क्या हमें ध्यान देना है? मोटिवेटिंग आवर सेल्फ एंड सेटिंग एंड वर्किंग टूवर्ड्स पर्सनल एंड एकेडमिक गोल. हम अपने आप को मोटिवेट करते रहें और अपने पर्सनल और एकेडमिक गोल पर काम करते रहें. इसके लिए पहले तो ये समझने की जरूरत है, ये जो सेल्फ मैनेजमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या होगा सेल्फ मैनेजमेंट अगर हम करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं. सेल्फ मैनेजमेंट हम करेंगे तो हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं. हम अपने टाइम को इक्वली मैनेज कर सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट लोग कहते भी हैं कि हम उसे आसानी से बहुत मैनेज कर पाएंगे. हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा अटेंशन प्रॉपर हो जाएगा, जिसके थ्रू हम अपने टास्क को कम टाइम में कंप्लीट भी कर सकते हैं. हम दूसरों के साथ, चाहे वो स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे वो हमारा आगे जाके वर्क प्लेस हो, हम उसमें दूसरों के साथ कोऑपरेट भी प्रॉपर कर पाएंगे. और हम अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्टडीज को, जो अब इंडिपेंडेंटली हमें अपनी जिम्मेदारी पर करनी है, हम अपनी उन स्टडीज को भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. सो सेल्फ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, overcoming bad habits, reaching our goals and overcoming challenges and difficulties. यानी हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं. इसलिए देखो ये छोटा सा हमारा प्यारा सा आइकन कह रहा है, आई एम इन कंट्रोल. मैं अपने ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं अपने अपने हिसाब से हूँ, मेरी अपनी स्पिरिट, माइंड, बॉडी, इमोशन सब कंट्रोल में है. इसको कहा गया है यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट. अब इस सेल्फ मैनेजमेंट की बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट में हमें क्या क्या करना होगा? सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे एरियाज पे फोकस करना है, लेकिन बहुत बड़े ज्यादा बहुत टिपिकल एरियाज नहीं है. जैसे हमारे सेल्फ अवेयरनेस, अगर हम सेल्फ अवेयरनेस पे काम कर लें तो हमारा मैनेजमेंट सेल्फ का बहुत अच्छे से हो जाता है. हमारी प्रोएक्टिव एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, गोल सेटिंग, इन एरियाज पर अगर हम काम कर लें तो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट हो पाता है. इन्हीं सबको हम डिटेल में लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे. तो सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस क्या है और कैसे करते हैं. तो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में एक फेमस पर्सन है डेबी फोर्ड, उन्होंने लिखा है, द एबिलिटी टू टेक एन ऑनेस्ट लुक एट योर लाइफ विदाउट अटैचमेंट टू इट बीइंग राइट और रॉन्ग. दैट मींस सेल्फ अवेयरनेस क्या है? नाउ वी आई एम नॉट जजिंग माई लाइफ, आई एम नॉट मेकिंग एन विजन फॉर माई लाइफ दैट आई एम राइट और आई एम रॉन्ग. वट एवर आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग. आई एम जस्ट being aware of what is in my life. सिर्फ इतना हमें करना है. तो हमें सिर्फ अपनी लाइफ को देखना है, वो हमारे लिए सेल्फ अवेयरनेस है. अब ये सेल्फ अवेयरनेस अगर हम करते हैं तो हम किन किन बारे में जान पाते हैं अपने बारे में? हम अपने वैल्यूज को देखते हैं, हम अपनी लाइक्स को देखते हैं, डिसलाइक्स को देखते हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को देखते हैं. यानी हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे लिए क्या बातें इंपॉर्टेंस रखती हैं, मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मेरी अच्छाइयाँ या मेरे स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, मेरी कमियाँ क्या क्या हैं. अगर मैं इन सब पे फोकस कर पाता हूँ तो मैं अपने आप में एबल हूँ, मैं अपने आप में डिटर्मिंड हूँ, मैं अपने आप में कंट्रोल्ड हूँ, मैं अपने आप में फोकस्ड हूँ, मैं अपने आप के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ. इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट बन जाती है हमारी
सेल्फ मैनेजमेंट के लिए. हम सेल्फ अवेयर होते हैं, अपने आप को प्रॉपरली ध्यान से देख पाते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं, तब हमारा नेक्स्ट एरिया हमारा फोकस में आता है, दैट इज प्रोएक्टिव एटीट्यूड. नाउ व्हाट इज प्रोएक्टिव एटीट्यूड, इसको अगर हम ऐसे पढ़ें तो ये लिखा है प्रोएक्टिव यानी एक्टिव होने से पहले. अब ये क्या होता है, एक छोटा सा कार्टून है, इसे देखिए और आप इवैल्यूएट कीजिए अपने आप को कि आप कहाँ पर हैं. कोई भी कंडीशन आई, कोई भी सिचुएशन आई तो आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे करूंगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कैसे मैनेज करूं सब कुछ, मेरे से नहीं होने वाला. दैट मीन्स आई एम रिएक्टिंग, मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ. दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं आई एम नॉट एबल टू मैनेज एनीथिंग दैट इज इन माई लाइफ. लेकिन जब हम प्रोएक्टिव एटीट्यूड बनाते हैं तो प्रोएक्टिव एटीट्यूड हेल्प्स मी टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रॉब्लम अराइजेस. देखो प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के आने से पहले अगर मैं उसके बारे में अवेयर हूँ, मैं उसको पहले से ही जानता हूँ, मैं अपने आप को पहले से समझता हूँ, तो मैं जान पाऊंगा ना कि कोई भी कंडीशन चेंज हुई मेरी लाइफ की मैं उसे कैसे मैनेज करने वाला हूँ. सो प्रोएक्टिव एटीट्यूड की हमारे पास एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. अब प्रोएक्टिव एटीट्यूड कैसे बनता है, तो एक छोटा सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए कि आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके अपने बारे में कंक्लूजन्स किस तरीके के निकलते हैं. देयर इज नथिंग आई कैन डू, मैं कुछ नहीं कर सकता, या इसके ऑपोजिट, या फिर दैट जस्ट द वे आई एम, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता. वो इंसान ना मुझे परेशान करता है, पागल बना देता है, उसको देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, या मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, या मैं नहीं कर सकता, अरे ऐसा ही होने वाला है और कोई ऑप्शन नहीं है. ये जो थिंकिंग मेरे अंदर आ रही है, ये जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं, ये थॉट्स कहीं से भी ऐसे फील नहीं हो रहे मुझे कि ये मेरे कॉन्फिडेंट थॉट हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती इस कंडीशन में डाला गया है तो मुझे उसको झेलना ही पड़ेगा. लेकिन अगर हम अपने इन्हीं थॉट्स को मॉनिटर करके, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को ध्यान में रखकर, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक को जानकर, अपने ऊपर काम करके हम इन्हें मैनेज कर पाते हैं, तो हमारा प्रोएक्टिव एटीट्यूड बन पाता है. देन आई एम इन अ स्टेट ऑफ थॉट्स दैट ठीक है, प्रॉब्लम आई, चलो अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं. ठीक है, मैं दूसरे दूसरे अप्रोचेस भी सोच पाता हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरा विजन एक ही तरफ चलता है, मैं हर एक एरिया को सोच पाता हूँ. मेरी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता है एंड आई एम एबल टू कंट्रोल माई फीलिंग्स. दूसरा मुझे परेशान कर रहा है, करने दो, मुझे पता है मुझे क्या फील करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो मैं नहीं उसके सामने अपने आप को परेशान होने दे रहा हूँ. ठीक, आई विल चूज एन एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे बिहेवियर कैसा करना है. एंड आई एम गोइंग टू चूज वट इज गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ एंड आई विल मैनेज माई लाइफ. इस तरह के एक पॉजिटिव एटीट्यूड जिसमें कि मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हो जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं अपने आप में कंट्रोल्ड हूँ, जिसमें कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से देख पा रहा हूँ, दैट इज प्रोएक्टिव एटीट्यूड. इस प्रोएक्टिव एटीट्यूड की बहुत जरूरत पड़ती है अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं. तो एक सिस्टमैटिक पैटर्न चलेगा. आप देखिएगा, हम पहले अपने बारे में अवेयर हैं, जितना अवेयर है उतना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उतना हमारा प्रोएक्टिव एटीट्यूड बनता जाएगा. अ प्रोएक्टिव एटीट्यूड बनेगा, देन आई एम मोटिवेटिंग माई सेल्फ एंड आई एम एबल टू मोटिवेट माई सेल्फ. मैं अपने आप को मोटिवेट कर पाऊंगा और उस मोटिवेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. दैट इज द नेक्स्ट डोमेन दैट इज रिक्वायर्ड इन अवर सेल्फ मैनेजमेंट. अब वॉट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर. वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग. सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा सुपर पावर है जिसमें कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास करना शुरू कर दें तो आपकी लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो जाता है. दैट मीन्स आपको सब कुछ बहुत अच्छे से होता हुआ दिखाई देता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं दिखाई देता. इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से इस पर्सन ने डिफाइन किया है. आप पहचानते होंगे इन्हें, बहुत फेमस एक्टर एंड फाइटर हैं ब्रूस ली. उन्होंने भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत अच्छी बात बोली है. ऑलवेज बी योरसेल्फ, Express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it. That means, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी. अगर हम दूसरे को देखकर, उसे आइडल मानकर, उसको कॉपी कर रहे हैं, that means I am not in myself.
मेरी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनी, दूसरे को आइडल मानना है लेकिन उसके जैसा नहीं बनना, उससे सीखना है कि वो कैसे स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में अपने जैसा बना, तो मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल आएंगी, मैं भी उनसे अपने जैसा ही सीख के बन पाऊंगा। ठीक, इसी बात को कहा गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस करने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हम इन्हीं में कहीं स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, जिस वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता। सबसे पहला, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, आइदर इन अकेडमिक्स, आइदर इन नेचर, आइदर इन बिहेवियर, आइदर इन गेटिंग फैसिलिटीज, हर जगह हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। वो तो ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, वो इतना अच्छा है, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, वो अच्छा नहीं है, वो सब सब अच्छे हैं लेकिन मैं ही खराब हूँ। दैट मीन्स आई एम समवेयर रिड्यूसिंग और किलिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। यस, अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान रखते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम थोड़े भी परेशान हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस उससे लूज होता है। फिर प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो अक्सर हम नहीं करते। हम अपने आप के साथ कंपैशनेट नहीं होते, हम अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर किया कहा गया अपने लिए कंपैशन रखो। ठीक है, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, गलती हो गई, गलती हो गई तो क्या मैं अपने आप को हमेशा डांटता रहूं कि तुमने गलत किया, मैंने गलत किया, मैं सही नहीं कर सका। तो थोड़ा सा अपने लिए भी कंपैशनेट होना है, अपने आप को भी कंसोल करना है, अपने आप को भी मोटिवेट करना है कि ठीक है, हो गया, गलती हो गई, इंसान ही तो हूँ, भगवान थोड़े ना हूँ, गलती हो गई तो ठीक करूंगा नेक्स्ट टाइम। ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है सेल्फ कंपैशन की। देन यूज पॉजिटिव एफर्मेटिव्स, अपने आप को रोज सुबह उठ के ये बात जरूर बोलो, आई एम वर्दी, आई हैव अ ग्रेट लाइफ, Everybody likes me। इस तरह के positive words अपने आप को बोलोगे तो आपका subconscious mind, आपका brain आपको motivate करेगा अपने बारे में पसंद करने को, अपने आप को प्यार करने को, और वही आपके confidence को बढ़ाएगा। Then also a small little bit pinch like a salt आपको dressing भी आपके confidence को बढ़ाती है। So try to be dress smart। Dressing smart doesn't mean you are purchasing expensive dresses. Dressing smart means whatever you are dressing, whatever you are wearing in a graceful manner. हम कुछ भी कपड़ा पहन रहे हैं, जो कपड़ा हमारे पास अवेलेबल है हम वो पहन रहे हैं, लेकिन बहुत ग्रेसफुल मैनर में पहन रहे हैं। भले ही फैशन के हिसाब से, आज के हिसाब से नहीं है, भले ही वो महंगा नहीं है, भले ही वो ब्रांडेड नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा ब्रांडेड नहीं पहना तो, लेकिन मैंने जो पहना मैं उसमें अच्छा दिख रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने ब्रांडेड पहना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उसमें अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को सेव करा है। इसीलिए ड्रेसिंग स्मार्ट इज ऑल्सो समवट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड अवॉइड परफेक्शनिज्म, एक बहुत बड़ी इशू बन जाता है लोगों के साथ कि वो परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं, सब कुछ मैं सही कर दूं, मेरे से कोई कमी ना हो। इज इट नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गॉड, वी आर नॉट इक्वल टू गॉड, तो हम परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं पाएंगे, इंसान है, ह्यूमन बींग है, तो थोड़ी बहुत तो कमी रहेगी ना। तो इसलिए अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जाने के बजाय बेटरमेंट के लिए सोचो कि मैं बेटर कैसे कर पाऊँ। परफेक्शनिस्ट बनना जाऊंगा तो मैं हमेशा अपने आप को फेल पाऊंगा और अगली बार अपने आप को मोटिवेशन में लेस पाऊंगा। अप्रिशिएट वॉट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड, जो कुछ भी मुझे अब तक मिला है उसको मैं कितना अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इसको भी देखो। ऐसा तो नहीं कि मुझे औरों से बहुत ज्यादा मिला है लेकिन मुझे लग रहा है मैं कुछ भी नहीं पाया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप में बहुत ज्यादा अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करी है। तो एटलीस्ट अप्रिशिएट व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड गिव स्मॉलर गोल्स टू योरसेल्फ फॉर द नियर फ्यूचर। बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाने के बजाय छोटे छोटे गोल्स अचीव करने की कोशिश करो। अगर एक बड़ा गोल भी बनाया है तो उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, टाइम के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मेहनत के अकॉर्डिंग, और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करो। देखना, हर बार का एक छोटा गोल आप अचीव करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ही आप अपने आप में मैनेज हो जाओ। ठीक, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट एबिलिटी जो हमारे सेल्फ मैनेजमेंट की है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अगर कोई भी हम कुछ करने जाते हैं तो उसके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी,
या हम कुछ करने गए, हमने एक गोल बनाया, वो गोल अपने आप में एक प्रॉब्लम बनता है। अब वो गोल हम कैसे अचीव करें, कैसे सॉल्व करें, कोई अगर हिंट्रेंस आ रहा है, कोई बैरियर आ रहा है, तो उसे कैसे हम कंट्रोल करें, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, दैट इज बीइंग आइडल, IDEAL, बीइंग आइडल। आइडल मींस आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, एक्शन एंड लुक बैक। मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, व्हाट इज हैपनिंग एंड what are my strengths and weaknesses and my likes and dislikes, my abilities. Then define the problem, ki problem jo main soch raha hu wo utni badi hai ya kahin na kahin wo meri expectation se kam problem hai, to mujhe apni problem ko clearly define karna hai ki exactly problem kya hai. Then explore, kya main aur iske aage option le sakta hu, kya approaches hai, kaise achieve hoga, kaun mujhe help kar payega, is area ko explore karna. फिर एक्सप्लोरेशन करने के बाद मेरे पास जो बहुत सारी चॉइसेस आई, उन चॉइसेस में से बेस्ट क्या है, उस पर एक्शन करना, एक्शन करा तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया देन आई हैव टू लुक बैक। लुक बैक क्यों, पीछे मुड़ के क्यों देखना है, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये भी देख पाते हैं कि इस टाइम हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी, क्या क्या हमारी लिमिटेशंस थी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उन पर प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर प्रॉब्लम कहीं आई तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ। सो लुकिंग बैक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बींग आइडल इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अदरवाइज इट इज योर डिसीजन। सिंपल वर्ड है, भाग लो, रन अवे, या भाग लो, पार्टिसिपेट। प्रॉब्लम तो है, इसके दो सॉल्यूशन है, या तो मैं रन अवे करूं या मैं पार्टिसिपेट करूं, भाग लू, चॉइसेस yours, मेरी choice है, मैं क्या करूं, मैं भाग जाऊं problem से या problem का सामना करूं। Then next is teamwork. One most important point of self-management is teamwork. Teamwork means together everyone achieve more. Remember, problem solving होगी तो उसके लिए टीम की भी जरूरत पड़ेगी। आपको याद है ये मूवी चक दे इंडिया, इसमें प्रॉब्लम आई थी लेकिन उसके लिए टीम वर्क पे काम करा गया, टीम हुई, इसी वजह से एक इम्पॉसिबल लगने वाला टास्क भी अचीव किया गया, और ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ठीक, तो टीम वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम आइसोलेट होकर, अकेले होके सब कुछ अपने आप नहीं कर सकते, वी नीड अ टीम, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर मैं इसको इसलिए कवर अप कर रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हम गोल सेट कैसे करें। गोल सेटिंग का मतलब क्या है, गोल सेटिंग गिव्स यू लॉन्ग टर्म विजन एंड शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, इट फॉर्म्स योर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। गोल सेटिंग गिव्स यू फोकस, अलाउज यू टू मेजर प्रोग्रेस, कीप्स यू लॉक्ड इन एंड अनडिस्ट्रैक्टेड, हेल्प्स यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड गिव यू मोटिवेशन। सो गोल सेटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा था उसमें सेल्फ अवेयरनेस में और उसमें आगे भी कि छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं तो वो मोटिवेट करेंगे। एंड गोल्स किस तरह के बनाने हैं, स्मार्ट गोल्स। अक्सर आपने सुना होगा लोगों से, स्मार्ट गोल्स बनाओ। स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या है, जो स्पेसिफिक हैं, मेजरेबल हैं, अचीवेबल हैं, रियलिस्टिक हैं और टाइमिंग है, टाइमली अचीव किए जा सकते हैं। तो स्मार्ट गोल्स पे हमें बहुत ध्यान रखना है, यही गोल सेटिंग का हमारा तरीका है। सेट गोल्स दैट मोटिवेट्स यू, सेट स्मार्ट गोल यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली कंप्लीटेड, ऐसे गोल्स हमें बनाने हैं। सेट गोल्स इन राइटिंग, लिख के रखो अपने गोल्स को। हम सिर्फ सोच के रखते हैं ना कि ठीक है मैं कर लूंगा, तो हमारा माइंड भूल जाता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे इनपुट आ रहे होते हैं। तो हमें अपने गोल्स को लिख के रखना है पेपर पे, ब्लैक एंड व्हाइट में, उनको एक जगह पेस्ट करके रखना है घर पे, जहां मेरी नजर बार बार जाती रहे, तो उससे मुझे पता रहेगा मेरे गोल्स क्या है जो मुझे अचीव करने हैं। देन मेक प्रॉपर एक्शन प्लान फॉर दैट गोल एंड स्टिक विद इट। ऐसा नहीं कि मैंने आज गोल बनाया, सोचा मैं कर लूंगा, दो दिन करा, तीन दिन करा, उसके बाद मूड बोर होने लगा तो मैंने छोड़ दिया कि आगे देखेंगे। स्टिक टू इट। अगर मैंने गोल बनाया है, पहले तो शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, मैं फिर उस गोल को अचीव करके ही दूसरी तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि गोल मैंने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया है। सो लास्ट में एक ही बात मैं यहाँ पे कहूंगी, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। सेल्फ मैनेजमेंट वर्क्स ऑन दिस थीम, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। तो सेल्फ मैनेजमेंट करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब करनी पड़ेगी जब सब कुछ मुझे अपने कंट्रोल में दिख रहा है। जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगा उतना ही मैं बेटर होता जाऊंगा। थैंक यू।
अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो अपना माइक्रोफोन ऑन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी ने चैट में कुछ डाला है। हाँ मैम, डोंट यू थिंक दैट कंपैरिजन आल्सो मोटिवेट अस इन सम केसेस? कंपैरिजन हमें मोटिवेट करता है, लेकिन हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि कंपैरिजन हमें किस विजन के साथ हमने करा है। कंपैरिजन इस सेंस में कि उसका पहले तो इक्वालिटी देखे ना, जिस पर्सन से हम कंपेयर करने जा रहे हैं अपने आप को, उसकी लाइफस्टाइल, उसका रिसोर्सेज, उसकी नॉलेज, उसकी एज, उसका फैमिली कंडीशन सब मेरे बराबर है, तभी तो मैं उससे कंपेयर करूंगा अपने आप को। अदरवाइज आई एम गोइंग टू कंपेयर माइसेल्फ विद मी ओनली। मैं अपने आप को कंपेयर अपने आप से करूंगा तो ज्यादा सही हमारा रिजल्ट आएगा। क्यों? It always help me to develop. When I am comparing from other, उसकी स्पीड अलग है, मेरी स्पीड अलग है, मैं अपने conditions के हिसाब से अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अपने condition के हिसाब से अचीव करने की कोशिश कर रहा है। मैं लॉन्ग टर्म में इसका नेगेटिव इफेक्ट ही देखूंगा, क्योंकि इससे मुझे डिमोटिवेशन होगा। सो बेटर वी हैव टू कंपेयर फ्रॉम अवर सेल्फ। जितना मैंने कल किया उससे ज्यादा मैंने आज किया या नहीं किया, ये कंपेरिजन अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ। थैंक यू।